तीन कलर का देखिए, ब्लैक और ये ब्राउन और ब्लू। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हम लोग लेके गए हैं। एक ग्रीन कलर का वायर इसमें अटैच कर, भाई क्या लाइट मारता है यार, आप लोग को हम क्या ही बताएं। ये देखिए येलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और भाई आज फिर से नए कंटेंट में, तो आज का टाइटल किस टॉपिक पे है ये आप लोग को पता चल ही गया होगा। और मेरे साथ है आज भीतरी उसका वर्जन 3 था जो वो सेल कर दिया है, तो अब वो बन गया है सेवेज मोटो ब्लॉक्स। मेरे पास आज उसका डोमिनार 400 जिसमें आज हम लोग लगाने जा रहे हैं फॉग लाइट, और इसका फॉग लाइट आप लोग को दिखाएंगे कितना पड़ा और कैसा है। और भाई पूरा फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिए, भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है फॉर टूरिंग पर्पज़। बेस्ट फॉग लाइट फॉर भाई टूरिंग पर्पज़ फॉर डोमिनार 400 एंड एनी अदर्स टूरिंग बाइक्स। तो उसी के हिसाब से थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग को फॉग लाइट दिखाते हैं कि ये कैसा है क्या है एंड प्राइस कितना पड़ा फॉग लाइट का, कहाँ से लिए हुए थे ये तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा रांची में तो वो आप लोग को बता देंगे और प्राइस आप लोग को बता ही देंगे, बट शॉप का लोकेशन ऐसे नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन पूछिएगा तब बताएंगे। बट फिलहाल अभी आप लोग को प्रोडक्ट दिखाते हैं, ये सामान दिखाते हैं फॉग लाइट कि कितना क्या है कैसा है। तो चलिए बाइक के पास, ये गाड़ी बजाज, भरोसा तो हमको नहीं है अलग बात है। और इसका फॉग लाइट अभी हम लोग करते हैं, ये देखिए फॉग लाइट पहले आप लोग देख लीजिए किस कंपनी का है, एस जे जी का है ओरिजिनल, और इसमें सब कुछ भाई दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हम भी नहीं पढ़े हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी किए बट आप लोग को दिखाते हैं। और भाई ये रही हमारे सामने, और ये जो स्विच अंदर रखा हुआ है इस पर मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि ये स्विच आप लोग को फ्री में नहीं मिलेगा, ये आप लोग को लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 270 या 280 आसपास है दोस्तों। ये टू वे स्विच है आपका, इसमें दो पैटर्न दिया हुआ देखिए, इसमें यहाँ पे एक ये मतलब ये बंद हो गया और नीचे एक, और फिर इसका ऊपर में एक नीचे एक ऊपर, तो इसीलिए भाई इसका थोड़ा ज़्यादा दाम है। और ये भाई देखिए थोड़ा कंपनी का अच्छा लगता है भी देखने से, भी थोड़ा प्रीमियम टाइप का लगता है। और आप लोग को दिखाते हैं इसका फॉग लाइट, और भाई ये रहा फॉग लाइट, भाई पूरा तो रास्ता भाई चीरते हुए निकलेगा ये गाड़ी। अब आप लोग देखिए ये फॉग लाइट, और इसका प्राइस कितना है तो आप लोग को सबसे लास्ट में बताएंगे। SJG का भाई ये देखने से ही लगता है प्रीमियम, SJG तो भाई अपना अलग ही ब्रांड है, और इसमें भाई आपको कोई गारंटी वारंटी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो भाई रहता ही है आफ्टर मार्केट एसेसरीज रहता है, तो इसका कोई गारंटी वारंटी आपको नहीं मिलेगा। और ये देख लीजिए भाई, ये तीन जब बल्ब जलेगा तो क्या ही तगड़ा लुक मतलब दिखने वाला है, आप लोग समझ ही लीजिए। ये आप लोग को दिखाई दिए दोनों ही है, क्लैंप इसमें दिया हुआ है साथ में एसेसरीज, क्या क्या दिया हुआ है आप लोग को दिखाते हैं। ये दो क्लैंप दिया हुआ है, और ये कहाँ पे फिट होगा कैसे इंस्टॉल होगा ये सब कुछ आप लोग को बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ये रहेगा ऐसा ऐसा इस टाइप का, और ऊपर इसका ऊपर में लगेगा फॉग लाइट, तो इसमें हम लोग को ड्रिल से इसमें छेदा करवाना पड़ेगा इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे इसका बोल्ट जो टाइट होगा फिर नीचे, आप लोग को पूरा प्रोसेस बताएंगे, आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा। और कुछ कुछ भाई एलंकी इसमें साथ में दिया हुआ है, और एलंकी वाला बोल्ट भी इसमें दिया हुआ है, नटवट सब कुछ है इसमें, तो जैसे जैसे लगाएंगे फिर आप लोग को दिखाते हैं। बट फिलहाल इसको थोड़ा पैक करके अब रख देते हैं, इसको डाल भाई। और ये रहा तारिक भाई, क्या लगने वाला है आप लोग समझ ही लीजिए, पूरा लगेगा एंड दिखाएंगे कि लाइट भाई कैसा मारने वाला है। हमको तो भाई काफ़ी सही लगा, ये हम लोग वहाँ चेक किए इतना भाई इतना ब्राइट है ना, इतना ब्राइट कि मत ही पूछिए। डोमिनार का लाइट ऑलरेडी अच्छा है ऐसा नहीं, नो डाउट डोमिनार का लाइट अच्छा है, बट भाई अगर आप कहीं टूरिंग वूरिंग में जा रहे हैं ना तो एक लाइट से काम नहीं चलेगा। और ये भाई तो जाता रहता है भाई, बाहर बाहर निकलता रहता है, सिक्किम का राइड मारने वाला है अभी कुछ दिन बाद जाने वाला, तो सारा ये सेडल बैग ये सब कुछ लगा कर रखा हुआ है हर चीज़।
तो चलिए इसमें ड्रिल करवाना होगा, पहले ड्रिल करवाते हैं एंड फिर आप लोग से मिलते हैं। एंड फाइनली गाइस देखिए अभी हम लोग शॉप में आ गए हैं, अपना शॉप में बोले तो अपना दुकान में आ गए हैं। और इसका बाइक में देखिए यहाँ पे देखिए ड्रिल करवा के यहाँ पे नीचे निकाले हैं, यहाँ नीचे निकला है ताकि ये जो बोल्ट है ये सीधा नीचे आ जाए। देख रहे होंगे आप लोग सीट निकाल लिए हैं क्योंकि इसका वायरिंग जो है भाई हम लोग का यहाँ पे जैसे निकलेगा ना तो अंदर से लेके जाना होगा। देखिए यहाँ पे वायर आपको दिख रहा होगा, ये तो यहाँ से निकालेंगे इस जगह से अंदर से ताकि भाई ख़राब ना लगे देखने में। ये यहाँ से आएगा इधर और तार वार हम लोग सब लेके आए, सब अंदर में रखा हुआ है। और फॉग लाइट अभी हम लोग इसमें लगाते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं। और देखिए क्लैंप हम लोग इसका ऊपर लगा दिए हैं, टाइट कर दिए पूरा फिक्स नीचे से। और इसका ऊपर देखिए ये कैसे लगेगा, ये लगेगा भाई ऐसे फॉग लाइट, तो भाई काफ़ी तगड़ा लगने वाला है। और वायरिंग मेन तो इसका वायरिंग हम लोग को करना है, वो आप लोग को पूरा फुल डिटेल हर चीज़ बताएंगे भाई, एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, बट कोई कन्फ्यूजन रहने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये लगाते हैं, अब ये फॉग लाइट इंस्टॉल करते हैं फिर आप लोग को एक साइड का भाई देखो फॉग लाइट इंस्टॉल कर रही हैं और कर लिए हैं। और ये देखिए भाई पूरा पूरा टाइट हो गया है, ये एडजस्टेबल वाला है, ये किस लिए है वो तो हमको भी नहीं पता है, खैर जो भी हो। और इसका देखिए नीचे का जो एलेंकी वाला बोल्ट है पूरा एडजस्टेबल है भाई, इसको लेफ्ट राइट इधर इसको किसी भी 360 में भी आप इसको घुमा सकते हैं। और ये जो बोल्ट है इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो पूरा एडजस्टेबल है। और ये प्रोसेस जैसे हम उधर होने वाला है और फिर वो लग जाएगा और फिर आप लोग को दिखाते हैं, सीधा वायरिंग पे ले चलेंगे। फाइनली वर्क तो हम लोग कम्प्लीट हो गया है, 16 जुलाई तारीख। और ये देखिए भाई रिजल्ट भाई क्या ही लगने वाला, भाई देख रहे हो लाइट देख रहे हो भाई, आगे वाले लोग का आगे वाला का हालत ख़राब होने वाला है रात में। ये देखिए क्या लाइट मार रहा है भाई, आप लोग देख लीजिए, हम इसको डायरेक्ट देख रहे हैं ना तो मेरा हाथ भाई क्या बोलते चौंधिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फाइनली हम लोग का वर्क कम्प्लीट हो गया है और आपको पूरा वायरिंग का डिटेल आप लोग को देते हैं कि वायरिंग हम लोग इसमें कैसे कैसे किए हुए हैं। न्यू बाइक में कोई भी वायरिंग हम लोग कट नहीं किए हैं, तो वारंटी वारंटी कोई लस पास होने वाला है नहीं। तो अभी आप लोग सिर्फ देखिए पूरा अच्छा से ध्यान से देखिएगा, आप लोग को दिखाते हैं। जो जो तार हटाने वाला है एक स्विच का ये देखिए स्विच में हम लोग का वायर आया हुआ है, ये तीन कलर का देखिए, ब्लैक और ये ब्राउन और ब्लू। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हम लोग लेके गए हैं, एक ग्रीन कलर का वायर इसमें अटैच करके इसको एक्सपेंड किए हैं। और ये देखिए ग्रीन वाला वायर सीधा कहाँ गया हुआ, देखिए ये एक पॉजिटिव टर्मिनल में दिए हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल कैसा है कहाँ है अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, इधर पीछे के जो ब्रेक लाइट देखिए रेड कलर का, तो वहीं पे आगे कपलर में इसको घुसा दिए हैं। तो ये हो गया हम लोग का मेन पॉजिटिव जो गाड़ी से हम लोग का आ रहा है, बाइक का जो आ रहा है पॉजिटिव वाला वायर। तो ये पॉजिटिव वाला वायर का स्विच से कनेक्शन हो गया, वो कंप्लीट हो गया। और एक स्विच का जो आपको ब्लैक वाला बता दिए, ब्लैक वाला को आप लोग भूल जाइए, ब्लैक वाला आप लोग का गया पॉजिटिव टर्मिनल में। और ब्लू वाला वायर जो स्विच का है और इसे हम लोग ब्लू वाला ही वायर निकाले हैं, ब्लू वाला वायर देखिए ये वाला, ये आपको पकड़ के दिखा रहे हैं। तो ये रहा ब्लू वाला वायर को हम लोग अटैच किए, देखिए फिर से आप लोग को दिखा दे रहे हैं ब्लू वाला वायर, ये रहा भाई ब्लू वाला, एक ही वायर है ब्लू वाला वायर, ये रहा इसको रेड कलर का जो ये जो आपको दिख रहा है इसका फॉग लाइट में, ये फॉग लाइट का है, ये तीन वायर फॉग लाइट में भी तीन वायर आता है, रेड ब्लैक एंड येलो। तो रेड वाला से अटैच किए हैं और उधर भी फॉग लाइट लगा हुआ है, तो देखिए स्विच वाला एक यहाँ पे ला के अटैच किए हैं और रेड वाला जो है इसी से निकाल के हम लोग दूसरा साइड में रेड कलर में अटैच किए हैं, उस साइड से आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए ब्लू वाला वायर, तो एक
और सिंपल सा आप लोग के बाद बता दे रहे हैं, इधर का एक फोग लाइट का रेड कलर का लाइट वायर और उधर का फोग लाइट का रेड कलर का वायर एक दूसरे को अटैच करके तार तो भाई निकालना पड़ेगा क्योंकि तार उतना बड़ा रहता नहीं है, तार निकालना होगा। तो वही वाला ये ब्लू वाला वायर है, तो इसको हम लोग ले गए हैं स्विच का ब्लू वाला वायर में। देख लीजिए ये ब्लू वाला वायर, आप लोग को हो सकता है क्लियर हो गया होगा, ब्लू वाला वायर जो स्विच से आया हुआ है, ये दोनों फोग लाइट का आप लोग को बार बार रिपीट करके बता रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रेड कलर का दोनों फोग लाइट का वायर एक दूसरे से अटैच कर दिए करके एक ये ले गए हैं आपका स्विच में, ये भी क्लियर हो गया, ब्लैक वाला भी क्लियर हो गया, और एक जो ब्राउन कलर का ये जो वायर बचा हुआ देखिए इसको, इस ये भी ब्लू कलर का ही ऐसे ले गए हैं क्योंकि भाई अलग कलर का था नहीं। तो ये ब्लू कलर इसका, येलो कलर में एक येलो कलर का जो वायर बचा हुआ था फोग लाइट का इस साइड का, देख लीजिए फोग लाइट का ये जो बचा हुआ था यहाँ पे हम लोग अटैच किए हैं, ये स्विच का ये जो है ब्राउन कलर वाला वायर ये येलो कलर वाला वायर में फोग लाइट में ये अटैच किए हैं, और ये देखिए ब्लू कलर का वायर कहाँ गया बस आप लोग को बता दे, ये भी हम लोग कर दिए हैं, देखिए कहाँ पे आया हुआ है इधर वाला येलो वाला वायर में। तो दोनों जैसा हम लोग ये रेड वाला जैसे किए थे वैसा ही येलो वाला में करना है, एक दूसरे को अटैच करके वो स्विच से ये कनेक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये दो को और एक और ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एक बचा फोग लाइट का अर्थिंग के लिए, फोग लाइट का बचा एक ये ब्लैक कलर का वायर जो फोग लाइट का दोनों साइड का है, दोनों तरफ का येलो और रेड एक दूसरे को अटैच करके स्विच में ले गए हैं, और जो फोग लाइट का एक जो ब्लैक कलर का वायर बचा इससे भी एक वायर ये निकाले हैं। देखिए वायर निकालने से पहले एक ये देखिए हरा कलर का ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट किए हैं ब्लैक वाले में, भाई देख लो क्लियर है, ये हरा कलर के ये वायर निकाले हैं और हरा कलर वाला वायर ये इस साइड का भी फोग लाइट में आपको सेम करना है, ये दूसरे दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ के और इसी से हम देखिए इसको ले गए हैं सीधा कहाँ पे अर्थिन में, और अर्थिन हम लोग का ये यहाँ पे दिए हैं पॉजिटिव यहाँ दिए हैं। तो भाई पूरा क्लियर हो गया फोग लाइट का ब्लैक वाला वायर, फोग लाइट का देखिए ब्लैक वाला वायर दोनों साइड का एक दूसरे को अटैच करके एक दूसरे में अटैच करके ये ले जाना है आपको अर्थिन में। आप लोग हो सकता है सारा आप लोग को प्रोसेस समझा दिए होंगे, अगर आप लोग को समझा पाए होंगे तो क्लियर हो गया होगा मे बी, अगर नहीं हुआ फिर से एक बार बता दे रहे हैं भाई, एक जो ये स्विच का ब्लैक वाला वायर है ये हम लोग ले गए हैं मेन पॉजिटिव वाला टर्मिनल से, पॉजिटिव वाला टर्मिनल में जो आप यहाँ पे पीछे आपको कहीं भी आप दे सकते हैं या तो यहाँ से आप या तो इग्निशन से, और एक जो ये है स्विच का ब्लू कलर का वायर तो इसे हम लोग निकाले हैं, और ये देखिए फोग लाइट का रेड कलर में अटैच किया, फोग लाइट का रेड कलर में ये अटैच किए हैं, और इसको हम लोग सेम वही किए हैं फोग लाइट का दूसरा साइड का रेड कलर में, और ये दोनों को अटैच करके भाई ये रेड कलर और उधर का रेड कलर हो गया फोग लाइट का, और ये दोनों को निकाल के हम लोग ले गए हैं यहाँ पे ब्लू कलर वाले में, और फिर बचा एक यहाँ पे रेड कलर ब्राउन कलर जो दिख रहा है इसमें फोग लाइट का स्विच का जो इसमें ये ब्राउन कलर का ये बच गया, ये इससे वायर निकाले हैं ब्राउन कलर वाला, ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं ब्राउन कलर का ये येलो, ये येलो वाला वायर और येलो वाला वायर वहाँ से एक तार निकाल के यहाँ पे येलो वाला वायर में लाए हैं, और सेम वही इसको ले गए हैं यहाँ पे स्विच में, और बचा इधर का स्विच का पूरा वायर हम लोग का यूज हो गया है, और इसमें हम लोग का बच जा रहा था एक यहाँ पे ब्लैक कलर का ये दोनों साइड में अटैच कर दिए हैं ब्लैक वाला, और ये दोनों साइड को अटैच करके एक तार निकालें जो ये गया हुआ है अर्थिन में जाएगा, एंड फाइनली दैट्स ऑल। तो भाई इतना थोड़ा है, बहुत भाई लेंदी प्रोसेस है, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत टफ है भाई। भाई क्या लाइट मारता है यार, आप लोग को हम क्या ही बताएं, ये देखिए येलो और ये देखिए ये वाइट, ये देख रहे हैं भाई
चौंध यहाँ जा रहा है यार। ये हमको लगता है ना ये कैमरा गोप्रो का कैमरा भी ये नहीं कर पा रहा है। देखिए ऐसा लाइट दे रहा है। तो भाई ये सिर्फ रात में ही, हर समय यूज नहीं करना है क्योंकि बहुत जगह ये इलीगल भी है। तो भाई ध्यान से यूज करें इसका, जब ज़रूरत हो तभी यूज करें, क्योंकि डोमिनार का लाइट ऑलरेडी बहुत बढ़िया दिया हुआ है स्टॉक में कंपनी से ही। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए सारा कुछ हो गया है, अब एक मतलब इसको सब अंदर करेंगे और भाई फाइनली इंस्टॉल हो गया हम लोग का फॉग लाइट दिए वायरिंग का। और अगर नहीं समझ में आएगा तो भाई आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई कन्फ्यूजन वाला हम बात आपको आप लोग के लिए छोड़े नहीं। और अब आप लोग को प्राइस बताते हैं इस फॉग लाइट का, जो कि SJG का है, SJG। और आपको इसका डब्बा हम ऑलरेडी पहले दिखा दिए थे, बट आपको फिर से दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। भाई इसमें कहीं भी आपको इसका प्राइस मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा। तो इसका प्राइस हम लोग का पड़ा भाई, ये LED वाला, ये हम लोग का पड़ा था 2800 हम लोग का पड़ा फॉग लाइट का। और हम लोग को स्विच का पड़ गया जैसे आप लोग को बताए थे 260 या 270 रुपये पड़ा था, हमको उतना याद नहीं है। और देखिए इसमें स्विच कैसा वाला लगेगा। तो प्राइस आप लोग को बता दिए, रांची में आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि भाई 2800 में हमको नहीं लगता है आप लोग को मिलेगा, शायद ऑनलाइन पता नहीं, हम उतना चेक नहीं किए, हम लोग ऑफलाइन लिए हैं, ऑनलाइन लिए नहीं है। तो भाई जो था आप लोग को बता दिया हर चीज़। एंड अब अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय, टाटा।